मुकदमा पंजीकृत के बावजूद नहीं हो रही गिरफ्तारी, पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई गिरफ्तारी की गुहार। जनपद प्रतापगढ़ के थाना चौकापुर क्षेत्र के ग्राम तौरीबाग बभनपुर जिला प्रतापगढ़ वर्तमान निवासी रिलीविंग लांच रेलवे मॉडल कॉलोनी थाना कोतवाली जिला रायबरेली पीड़िता राजवंशी देवी पत्नी मूलचंद का कहना है कि जो मेरी पुत्री मीनाक्षी जो कक्षा 12 की छात्रा है दिनांक 17 फरवरी 2021 को घर से दिन में करीब 11 बजे बाजार के लिए निकली थी। जब देर शाम तक वापस नहीं आई तो हम लोगों ने उसकी तलाश की। काफ़ी तलाश करने पर पता चला कि उसे आदित्य कुमार वैश्य पुत्र राजकुमार वर्ष निवासी 111 अमृत नगर गांधी धर्मशाला थाना कोतवाली नगर जिला रायबरेली बैला फुसला कर कहीं भगा ले गया। पीड़िता ने उक्त घटना की सूचना स्थानीय थाने में दिया किंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब पीड़िता ने दिनांक 23 फरवरी 2021 को श्रीमान जी से समझ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर श्रीमान जी ने आदेशानुसार थाना कोतवाली नगर रायबरेली की पुलिस ने विपक्षी आदित्य कुमार वर्ष के विरुद्ध मुकदमा कायम अपराध संख्या 120/2021 धारा 366 पादवी के अंतर्गत दिनांक 25 फरवरी 2021 को पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज किया था। किंतु उसके पश्चात थाना पुलिस ने आज तक पीड़िता की अपहरण पुत्री मीनाक्षी को बरामद नहीं किया और न ही विपक्षी आदित्य कुमार वर्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही की। विपक्षी में पीड़िता की पुत्री के साथ कोई भी अनहोनी घटना घट सकता है। विपक्षी उसके परिवार वालों ने पीड़िता व उसके परिवार को कार्रवाई न करने के लिए धमका रहे हैं और ऐसी स्थिति में न्याय हित में विपक्षी के विरुद्ध कार्रवाई कर पीड़िता की पुत्री मीनाक्षी को बरामद कर पीड़िता की सुपुर्दगी में दिया जाना आवश्यक है। अतः इस संबंध में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक रायबरेली को एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर विपक्षी को गिरफ्तार कर पीड़िता की अपहरण पुत्री मीनाक्षी को बरामद कर पीड़िता की सुपुर्दगी में दिए जाने की मांग की है। जिला संवाददाता अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18 रायबरेली। मैं आपका राजवंती देवी। कहाँ से आई हैं? रिलीविंग रेलवे कॉलोनी। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला हमारी लड़की जो 17 तारीख को हम घर में दिन में नहा रहे थे, बोले मम्मी हम बाजार जा रहे हैं कुछ सामान अपना सामान लाने को जा रहे हैं। वो निकले, इसके बाद वो लौट के रहे नहीं है। शाम तक इंतजार किया तो आई ही नहीं। इसके बाद फिर पता लगाने लगे कि कहाँ गई, तो फिर अगल बगल किसी से पूछने से पता चला तो वो उस पार रेलवे स्टेशन उस पार जी। वो आदित्य नाम का लड़का जी। पता लगा हुआ हमारे बेटे को बहला फुसला कर भगा ले गया। राजकुमार उसका बाप है। इस मामले की पूरी जानकारी कहीं दिया था नजदीकी थाने में जी? तो क्या हुआ? क्या कोई सुनवाई नहीं हुई, कोतवाली में गए थे जी। और यहाँ जो कप्तान साहब के पास अभी दोबारा आए हैं। आज कहाँ पे आई हैं? आज यहाँ कप्तान साहब के पास। क्या वो मिली? वो नहीं मिली बाकी। और क्या कहा, आश्वासन क्या दिया? बोले कि मिल जाएगी, परेशान न हो, रो मत, जो है मिल जाएगी।